अच्छा हेलो फ्रेंड्स, आरतीस पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी कॉर्न की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ कुछ यूजफुल किचन टिप्स भी शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, तो आज बनाते हैं क्रिस्पी कॉर्न्स, जिसके लिए मैंने एक बाउल कॉर्न्स ले लिए हैं और साथ में मैंने 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून मैंने मैदा और सॉल्ट और ब्लैक पेपर लिया है। वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और उनको सॉटे करने के लिए चाइनीज में मैंने 1 कटोरी प्याज, 1 शिमला मिर्च और 2-3 लहसुन की कलियां ली हैं और थोड़ी सी हम 1 टेबलस्पून सोया सॉस यूज करेंगे। कॉर्न्स को हम अब 5 मिनट के लिए गर्म पानी में बॉईल कर लेंगे। कॉर्न्स मैंने बॉईल करके अब छान लिए हैं। अब हम इसको एक बाउल में डाल के उसके हम मैदे और कॉर्नफ्लोर के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। उसके लिए हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और 2 टेबलस्पून में मैदा डालूंगी। सॉल्ट हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे। 1/2 चम्मच डाला है मैंने एक बाउल में। ब्लैक पेपर भी मैंने 1/2 चम्मच डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके कोट कर लेंगे। इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा अंदर से मॉइस्ट है, तो ये कॉर्न को सारी जो कोटिंग है चढ़ जाएगी। अब हमने कॉर्न्स को अच्छे से कॉर्नफ्लोर और मैदे के साथ कोट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा कोटिंग रहती है इसके नीचे, वो हम इसको छन्नी में डाल के छान लेंगे। अब हम ये अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमने ऑयल पहले से हीट कर लिया है। अब हम कॉर्न्स को धीरे धीरे इसमें डालेंगे। गैस की फ्लेम आप मीडियम ही रखें, क्योंकि तेज गैस पे ये चटक सकते हैं। अगर कभी ऐसा हो तो एक खाली पात्र में जरूर रखें। और अब हम इनको 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। अब इनको हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। ये अब अच्छे से गोल्डन हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हमारे कॉर्न्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं और बिल्कुल क्रंची फ्राई हुए हैं। अब हम इसको चाइनीज तड़का लगाएंगे। आप अगर बच्चों को देना चाहते हैं तो ऐसे भी दे सकते हैं। अब मैंने पैन गैस पे रख लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 टेबलस्पून ले लीजिए। और अब हम इसमें ये लहसुन की कलियां डालेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम हल्के से सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें एक प्याज डालेंगे। प्याज को आप थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक पका लीजिए। प्याज को मैंने ट्रांसपेरेंट होने तक अच्छे से भून लिया है। अब हमने कैप्सिकम डाल के उसको भी 1 मिनट के लिए भून लिया है। सोया सॉस डाल दी मैंने 1 स्पून और सोया सॉस के बाद हम क्रिस्पी कॉर्न्स डाल देंगे। अब हमारे क्रिस्पी कॉर्न्स रेडी हैं। अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेंगे। जितनी जल्दी सर्व करेंगे उतने ही अच्छे लगेंगे। तो ये है टेस्टी क्रिस्पी कॉर्न्स। खुद भी खाइए और बच्चों को भी खिलाइए।